हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा है। अब दूसरा पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए क्वालिफाई करा हुआ है और बहुत सारे उनके डाउट्स थे इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को लेकर के। सभी डाउट्स को मिलाकर के ये वीडियो बनाई गई है जहाँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, किस तरीके से क्वालिफाई करना है उसे, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और बेस्ट सोर्सेस क्या क्या हैं इसके प्रिपरेशन के। वन बाय वन इसे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट डिटेल्स की। कंप्लीट डिटेल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा वैकेंसीज आपको बताना चाहता हूं कि जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो है मेरी 210। और रिक्रूटमेंट टेस्ट में जितने सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा है उनकी संख्या है 5269, यानी 5269 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करा है। अगर आप इनका परसेंटेज निकालेंगे तो अराउंड 3.9% के आसपास बनेगा, यानी कि जितने बच्चे ने अभी क्वालिफाई करा है उसमें से 3.9% लोगों का सिलेक्शन होगा इस जेसीए पोस्ट के लिए। तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाली है, तो आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है अगर आप इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये 2 घंटे का होने वाला है, 2 आवर्स का ये टेस्ट होगा। इसके अंदर 3 चीजें दी हुई होंगी। पहला कंप्रीहेंशन पैसेज होगा, पहला नंबर। दूसरा एक प्रिसाइज आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, सो प्रिसाइज राइटिंग होगी। और तीसरा नंबर ऐसे राइटिंग गिवन होगा, ऐसे राइटिंग गिवन होगा। अब ये ऐसे राइटिंग में आपको 5 से 6 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको एक ऐसे लिखना है। ये टोटल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 100 मार्क्स का पिछली बार हुआ था, इस बार का इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है। हो सकता है मार्क्स बढ़ सकते हैं, हो सकता है कुछ और नया आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ पे आपको एक कंप्रिहेंशन पैसेज मिलेगा, प्रिसाइज राइटिंग मिलेगा, ऐसे राइटिंग मिलेगा। अगर मैं जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो टोटल 100 मार्क्स का आपको ये पूरा टेस्ट दिखेगा। इस 100 मार्क्स में आपको कंप्रिहेंशन पैसेज जो है वो 30 मार्क्स का दिखेगा, प्रिसाइज राइटिंग 30 मार्क्स का दिखेगा और ऐसे राइटिंग में आपके जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो है 40। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। इस 100 मार्क्स के पेपर को आपको 2 घंटे में कवर करना है। ये एक ऑफलाइन पेपर होगा, रिटन टेस्ट की तरह होगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, लिख के देने हैं। ये जो पेपर होगा इसका मीडियम इंग्लिश है, मतलब ये पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आपको कवर करना है। हिंदी मीडियम में आपको कोई भी आंसर नहीं लिखना है, मतलब हिंदी लैंग्वेज यूज नहीं करना है इस पूरे पेपर को देने में, ठीक है। ये तो हो गई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा मेरा ग्रामर बहुत वीक है, या फिर कुछ लोगों को ये सोच करके कॉन्फिडेंट होगा यार मैं तो ग्रामर में बहुत अच्छा हूं। तो ग्रामर में आपको एक्सपर्टाइज बनने की जरूरत नहीं है, मतलब आप एक्सपर्ट नहीं बनना है आपको, बस आपको एक नॉर्मल ग्रामर आनी चाहिए जहां पे आप ग्रामेटिकल एरर नहीं करो अगर आप एक नॉर्मल सेंटेंस लिख रहे हैं। तो ग्रामर का आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, इस चीज का ध्यान रखना है। नॉर्मल ग्रामर आपको आनी चाहिए जिससे जो सिंपल सेंटेंसेस अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें किसी तरीके का एरर ना हो। दूसरा वोकैबुलरी पर आपके कमांड अच्छे होने चाहिए। वोकैबुलरी का अगर आप पर कमांड नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस पेपर में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अभी समय है, एटलीस्ट आपको 30 डेज तो मिनिमम मिलेगा ही, तो आपके पास समय है। आप आराम से अगर डेली बेसिस पे अगर आप एक अनसीन पैसेज रीड कर रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर का आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हो या फिर पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो अगर आप दिन भर में अगर 5-6 आर्टिकल अगर आप पढ़ लेते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं तो बहुत आराम से आपको 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे समझना भी है, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो आपका जो अनसीन पैसेज है, जो आपका कंप्रिहेंशन पैसेज है, आप उसके आंसर सही से नहीं लिख पाओगे। प्रिसाइज राइटिंग आपका खराब होने वाला है, क्योंकि प्रिसाइज राइटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपने जो पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
नाउ राइटिंग स्किल जो है एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हैं कि एसे में आपके मार्क्स अच्छे आए तो राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए एसे में. अब इस राइटिंग एसे में जब भी आप राइटिंग स्किल की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो राइटिंग स्किल में आपको तीन चीजों पर ध्यान देना है. कौन कौन से वो तीन चीजें हैं? सबसे पहले आपको सिंपल लिखना है. सिंपल मतलब ऐसा नहीं कि लगे कि बहुत तामझाम आपने करा हुआ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं सुबर वे में सारी चीजें अच्छे से सोफिस्टिकेटेड वे में आपने सारी चीजें समझा दी जो आपको समझाना था. थोड़ा सा आर्टिकुलेट होना चाहिए चीजें, आर्टिकुलेट वे में आपको लिखना है. मतलब कोट्स यूज करिए, कुछ स्लोक यूज करिए ताकि पढ़ने वाले को थोड़ा अच्छा लगे. कुछ माइंड मैप जैसा अगर आप बना सकते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट होता है ऐसे राइटिंग में. इसके अलावा करंट डाटा जरूर डालिएगा. आपको बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे या फिर ऐसा ऑप्शन मिलेगा ऐसे में जहां पे आप करंट डाटा यूज कर सकते हैं. तो अगर आपने करंट डाटा डाल दिया ऐसे राइटिंग के समय, तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बहुत इंप्रूव करेगा. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप राइटिंग जब भी आप ऐसे की करें तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. सबसे पहले जब भी आप पेपर दोगे तो कोशिश ये करनी है आप नीट एंड क्लीन रहो. ठीक है, मतलब आप अभी से प्रैक्टिस करो कि जो भी आप लिख रहे हैं वो पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए. नहीं हो रहा है तो उसे करना पड़ेगा. दूसरा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस आपको करना है. आपको ये लगेगा कि प्रिसाइज का आपने फॉर्मेट जान लिया तो आप लिख दोगे, तो वैसा नहीं है. आपको प्रैक्टिस करने हैं. डेली कोशिश करिए एक या दो प्रिसाइज प्रैक्टिस करने की. अब देख लो 3.1% का रेशियो है यहाँ पे सिलेक्शन का. 5,269 लोगों ने क्वालिफाई करा है जिसमें से 210 का सिलेक्शन होने वाला है. तो इस 210 की लिस्ट में आने के लिए ऑब्वियस है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. और ये सोच के मेहनत करो कि एक महीना या 45 दिन का समय मिलना है और इसी में जो मेहनत करनी है सो करनी है, फिर आपको जिंदगी भर कोई मेहनत नहीं करनी है इस फील्ड में. ठीक है, तो एकदम मन से एकदम ध्यान से आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस करिए. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा, एक मेंटर जरूर चूज करिए अपना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो. भले ही आपकी लेवल का हो, आपका नॉलेज उसका नॉलेज सेम हो या थोड़ा सा ज्यादा हो तो बेटर है, बहुत ज्यादा है तो बेस्ट है. ठीक है, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है ताकि जो भी आपने लिखा है डेली बेसिस पे वो उसे एनालाइज करके आपके मिस्टेक्स बता सके. ठीक है, आपको पंडित ना बनाए वो, आपको सिर्फ आपकी गलतियां बता दे कि इस लाइन को ऐसे भी लिखा जा सकता था, इस लाइन में ये सारे फॉल्ट हैं. ठीक है, तो एक मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नहीं है तो वरिड होने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. आपस में ही आप लोग ग्रुप बना लो. निशांत एकेडमी ऐप पर आपको डिस्क्रिप्टिव का फ्री बैच मिल जाएगा. वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आप स्टूडेंट्स के साथ चीजों को शेयर करिए, अपने जो भी लिखा है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए. आप उनकी हेल्प लीजिए, वो आपकी हेल्प लेंगे. इस तरीके से जो है शेयरिंग में चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती हैं. तो मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. तीसरा, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि तीन चीजें आपसे पूछी जा रही है. एक है मेरा कंप्रीहेंशन पैसेज, या सिंपली मैं पैसेज भी लिख सकता हूं पैसेज. दूसरा है मेरा प्रिसाइज, और तीसरा है ऐसे. आपको इस 2 घंटे का समय जो मिलेगा, इस 2 घंटे के समय में 10 मिनट मिनिमम, 10 से 15 मिनट अपने अपना रिजर्व करके रख लीजिए कि मुझे ये 10 से 15 मिनट बचाने हैं ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो एग्जाम के समय में, तो आप इस 10 से 15 मिनट को यूटिलाइज कर सकें. बाकी के टाइम को आप कोशिश करिए कि कंप्रीहेंशन पैसेज में आप इतने अच्छे हो जाए कि आप उसे 30 मिनट में सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आप कर सको. बाकी प्रिसाइज राइटिंग को 30 मिनट दे सको. और ऐसे राइटिंग में आप कोशिश करो कि 30 से 40 मिनट, हार्डली हो तो 50 मिनट के अंदर अंदर आपका ऐसे हो जाए, ताकि आप उसे बाकी समय में आप अपने मिस्टेक्स को फाइंड कर सको, या फिर कुछ और चीजें अगर आपकी कहीं पे मिस हो रही हो तो आप उसे मेकअप कर सकें. तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी से अगर करोगे तो एग्जाम टाइम में जाते जाते तक आपका हैबिट बन जाएगा. नाउ पांचवा जो आपको करना है वो है रीडिंग हैबिट्स बनानी ही है. और इसके लिए आपको न्यूज़पेपर से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं मिलेगा. डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे आप द हिंदू पढ़ते हो चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आपको डेली बेसिस पे 3-4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उसे समझना है. आप पढ़ते समय उसे ऑब्जर्व करिए कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है, ताकि आप उसके स्किल को समझ सकें
कि उन्होंने जिस तरीके से लिखा है आप उस तरीके के स्किल को फॉलो कर सकें, और फिर कोशिश करिए जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा है उसी आर्टिकल पर बेस्ड आप एक प्रिसाइज लिख सकें। छठा सिक्स नंबर, जब भी आप ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं तो ऐसे राइटिंग से रिलेटेड आपको कोशिश ये करनी है कि डेली बेसिस पे आपका एक या दो टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए ऐसे में। अगर आपको पता है कि कौन कौन सी ट्रेंडिंग टॉपिक है तो आप उसकी एक लिस्ट बना लो, अगर आपको नहीं पता तो निशांति एकेडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको 100 इंपॉर्टेंट ऐसी की लिस्ट मिल जाएगी, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी वहां पे प्रिपेयर है, बहुत सारी प्रिपेयर नहीं है, तो जो प्रिपेयर है वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से लिखना है, जो प्रिपेयर नहीं है उसे खुद से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप नए ट्रेंड में जाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए, या फिर कुछ सोशल इशू से रिलेटेड भी चीजें पूछी जा सकती है इस एग्जाम में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखिएगा, वो भी आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और ऐप पर भी अवेलेबल है, आप देख लीजिए ताकि आपको ट्रेंड समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनता है यहाँ पे। तो ऐसे राइटिंग आपको डेली बेसिस पे एक या दो प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरा ऐसे बहुत वीक है और आपको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है उसे, तो आपको जो मन में आ रहा है जिसके ऊपर लिखना है, पिता के ऊपर लिखना है, माता के ऊपर में लिखना है, आप डेली बेसिस पे माय मदर एक टॉपिक चूज कर लीजिए, कोई भी टॉपिक चूज कर लीजिए, आप उसे जितना आर्टिकुलेट वे में, जितना सजा कर, जितना बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, आप अपनी लोकेलिटी के बारे में लिखिए, डेली बेसिस पे आपको लिखना है ताकि आपका जो लिखने का हैबिट है वो बेस्ट हो सके। ठीक है, ऐसे इंप्रूव करने का इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। और अपने मेंटर से जरूर डिस्कस करिए, जो भी आपने लिखा है आप उसे जरूर डिस्कस करिए अपने मेंटर से। एक जो पॉइंट है वो है आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। नाउ क्या क्या नहीं करना चाहिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूअस सही तरीके से चले और वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे। ऐसा नहीं कि इंडियन फिएस्को जैसे कि होता है ना, धुएं में सब चीज मिल जाना कि सब कुछ खत्म हो गया, आपका रिजल्ट जो है कुछ नहीं आया और प्रिपरेशन में आपने पूरा समय झोंक दिया, वो चीज नहीं होना चाहिए। एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिले उसके लिए क्या क्या नहीं करना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि आप चीजों को एग्जेजरेट मत करो, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, एग्जामिनर को बहुत सोबर वे में बहुत ही स्मूथली सारी चीजें बतानी है, फ्लो में चीजें लिखनी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इररिलेवेंट इनपुट्स नहीं डालना है, से जो टॉपिक पूछा गया है आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को लिखना है, भटक करके किसी और टॉपिक पे मत चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, आपसे पूछा कुछ गया है आप मेंशन कुछ और कर रहे हो वहां पे, तो इररिलेवेंट इनपुट से बचना है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है मेरा टिपिकल वर्ड्स, टिपिकल वर्ड्स को कभी भी यूज मत करना जब भी आप ऐसे वगैरह सब या प्रिसाइज लिख रहे हो, तो टिपिकल वर्ड्स से बचिएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए लिखते हैं ताकि वो इंप्रेशन बना सके एग्जामिनर के माइंड में, लेकिन वो गड़बड़ हो जाता है वहां पे, एग्जामिनर को ये लगता है कि सामने वाला जो है कुछ ज्यादा दिखा रहा है। इसके अलावा जब आप टिपिकल वर्ड यूज करते हैं तो आप यूज करते समय आप भूल जाते हो कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है, और बस उसे आप सिर्फ वहां पे डाल देते हो और कहीं ना कहीं फिर वो ग्रामेटिकल एरर का रीजन बन जाता है, तो टिपिकल वर्ड से बचिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रोकन थीम, ब्रोकन थीम या ब्रोकन फ्लो। जब भी आप लिख रहे हो तो ऐसा जैसे आपने ऐसे स्टार्ट करा तो इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी हो गई, मेन बॉडी के बाद कंक्लूजन हो गया, ये जो मतलब पूरा स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल फ्लो में होना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लगे कि ये यहां से यहां तक आया और फिर अचानक से ब्रेक होकर कुछ और स्टार्ट हो गया, ठीक है, और फिर ये चीज फिर कहीं और घुस गई, वो चीज नहीं होना चाहिए। फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जो थीम बेस्ड है, जो थीम आपने चूज करा है, जिस थीम के ऊपर में आप बात कर रहे हो, वो थीम ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी टीचर की गाइड ले रहे हैं या जैसे मैंने बताया आपको कि मेंटर आपको जरूर चूज करना है, तो मेंटर पर डिपेंड नहीं हो जाना है। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जो है, जैसे मेरे जो कोर्सेस हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं उसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिपेंड हो गए हैं मेरे पे कि जब मैं लिख के दूंगा तो वो वही छापेंगे, वो चीज नहीं होना चाहिए। आपको डिपेंड नहीं होना है टीचर पे, आपको सिर्फ उनसे गाइड लेनी है, आपको सिर्फ उनसे ये जानना है कि आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं, या फिर उसके अंदर क्या फॉल्ट है, सिर्फ वो जानना है। अब इसके लिए अगर आपको कुछ पैसे देने पड़े तो आप दे भी देना, क्योंकि अभी के समय में जब आप 50,000-60,000 सैलरी लोगे
तो उस समय ये आसानी से मेकअप हो जाएगा, 1-2 हज़ार कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो मेंटर पे कभी भी पूरी तरह से डिपेंड मत हो जाना अपने सारी चीजों के लिए, सिर्फ उनकी गाइड से आपको मतलब है कि आपने जो किया है डेली बेसिस पे, आपको सिर्फ उनसे ये जानना है कि वो सही है या नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए उनसे। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ अब मैं इंपॉर्टेंट कुछ सोर्सेस की बात करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू न्यूज़पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ कुछ गिने चुने आर्टिकल्स पढ़ने हैं, या फिर आप एडिटोरियल भी पढ़ सकते हैं इनके। दूसरा, निशांत ई अकेडमी वेबसाइट पर आपको पूरा का पूरा डिटेल में 100 टॉपिक्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप निशांत ई अकेडमी वेबसाइट से भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा निशांत ई अकेडमी वेबसाइट पर डिस्क्रिप्टिव का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स होंगे, बहुत सारे मटेरियल हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, और प्रैक्टिस में ये बुक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। पहला, रेन एंड मार्टिन की बुक। रेन एंड मार्टिन के बुक से आप कंप्रीहेंशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत की बुक से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एसचंद की भी बुक आती है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे बुक्स आपको अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। और नेक्स्ट जो है वो है कोट्स। कोट्स का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट्स कहीं ना कहीं चार चांद लगा देगा आपके एसे में, आप ये जान लो, ठीक है। तो कोट्स का कलेक्शन जरूर रखिए, और सिर्फ कलेक्शन नहीं रखना है, उसे याद करना है और सही जगह पे सही कोट्स को यूज करना आना चाहिए। सारे कोट्स का पूरा लिस्ट आपको निशांति अकेडमी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। निशांति अकेडमी ऐप पर आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का एक पूरा का पूरा कोर्स है, जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी इंक्लूड करी गई हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।